आज क्लास सेवन्थ के लिए हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं हम। रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया है 6.1 के अंदर, ठीक है। 6.2 में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल था ना चैप्टर, तो प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है भाई। तो क्या होता है, कोई भी दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं ना, कोई भी दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1/2, तो क्या हुआ, ये 1:2 हुआ, 1/2 ये भी 1:2 हुआ, तो दोनों इक्वल है ना। इनको कैसे लिखेंगे, 1/2 को लिखेंगे हम 1:2, ठीक है, 1/2 को लिखेंगे 1:2, और यहां पर ये साइन होता है ना, इसी की वजह से इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो बोला क्या जाता है, प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ठीक है। यहां पर ये देखिए मैंने इसका फॉर्मेट लिखा है, ये फर्स्ट जो होगा आपका इसको फर्स्ट रेशियो बोलेंगे, सेकंड वाले को सेकंड रेशियो, थर्ड वाले को थर्ड रेशियो और फोर्थ को फोर्थ रेशियो, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो इसमें कोई भी रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, कोई भी रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सट्रीम क्या होता है, ये फर्स्ट और लास्ट नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फर्स्ट का और लास्ट का, ठीक है। और बीच के जो दोनों बच गए ना उनको बोलते हैं मीन। तो फर्स्ट और लास्ट क्या हुआ, एक्सट्रीम, और बीच के दोनों क्या हुए, मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और लास्ट, मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों को, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बीच के दोनों, ठीक है, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों रेशियो किसके अंदर है, प्रोपोर्शनल के अंदर है, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। साथ ही आपको बता देता हूं प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समान अनुपाती, समान अनुपाती मतलब जिनका अनुपात समान हो, जिनका रेशियो इक्वल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया ये किस में लिखे हुए हैं, प्रोपोर्शनल में लिखे हुए हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कराया मैंने, फर्स्ट क्या था एक्स और लास्ट क्या था सिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 6x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बीच वाले का प्रोडक्ट, तो बीच में कितना है 3 और 4, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट कराया मैंने, कितना हो गया 12। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, तो इसलिए हमने इक्वल लिख दिया है, ठीक है भाई। तो 6 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। कुछ नहीं किया है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कराएं वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा, और बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट कराएं वो प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा, और दोनों को इक्वल रख देना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है, ठीक है। इसका एक पार्ट और देख रहे हैं हम, देखिए डी 2:1 रेशियो एक्स और प्रोपोर्शनल 3:1 रेशियो 4, ठीक है, ये गलती से गलती लिख दिया था 4 है, ये ध्यान रखना भाई, कटिंग हो गई थोड़ी। तो 2 × 4 + 1 कितना हो गया 5/2, और एक्स यहां पर 3 × 6 और 1 कितना हो गया 7/2, मिक्स फ्रैक्शन में था प्रॉपर में लिख दिया है, और 4 आपका एच डीज है। अब फिर से यहां पर वही चीज अप्लाई करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो 5/2 × 4, 5×4 = 20, 20/2 हो जाएगा, कैंसिल करना चाहो तो यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन में क्या होगा बीच के दोनों, तो एक्स इंटू 7/2, एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब वही बात आ गई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 20/2 और प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 7x/2 दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, तो ये इससे 2 10 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20, तो 10/1 बचा, यहां से 7x/2 क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 7x को 1 से करेंगे 7x, 7 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/7, अब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14 कितना बचा 6, तो इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे, आंसर कितना आया था आपका 2, रिमाइंडर कितना बचा 6 और डिवाइड किससे किया था 7 से, ठीक है, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब हमारा भाई, ठीक है, फर्स्ट आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो। आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये जो दिए हुए हैं ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है, प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, वही तरीका है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करा दिया हमने, कितना हो गया 36, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा 7 × 5, तो कितना आ गया 35, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि भाई अगर प्रोपोर्शनल है, कोई भी रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है
तो उनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होना चाहिए, और यहां पर इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल्स टू, इक्वल टू के साइन को क्रॉस मार देंगे, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो क्या आएगा आंसर? नो। ठीक है, क्योंकि रेशियो इनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं आया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल नहीं था। ठीक है, इस रीजन से ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। 8, 12, 10 और 15, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना आ गया? 120। और प्रोडक्ट ऑफ मीन बीच के दोनों का प्रोडक्ट कितना आया? 120। ठीक है, तो आपने देखा दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो क्या लिख देंगे? यस, ये प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कर रहा है भाई? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12। ठीक है, 8 and 12, आपको 8 और 12 केवल दो ही नंबर दिए हुए हैं और थर्ड पूछ रहा है। तो देखिए, कभी भी थर्ड पूछा जाए ना, केवल दो नंबर दिए जाए और थर्ड पूछा जाए, तो लास्ट वाले को आप रिपीट करके लिख देंगे। कैसे करके लिख देंगे? रिपीट। तो 8 और 12 का रेशियो हो गया 8:12, और प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और लास्ट वाले को फिर से लिख देंगे। ठीक है, लास्ट वाले को फिर से लिख देंगे और फिर रेशियो का साइन लगा के क्या लेट कर लिया हमने? एक्स। तो देखिए, 8 फर्स्ट हो गया, 12 आपका सेकंड है, और थर्ड क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये तो हमने रिपीट करके लिखा है। ठीक है ना, रिपीट करके लिखा है इसको। ठीक, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा? एक्स। थर्ड वाले को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट को सेम लिखेंगे, रेशियो का साइन लगाएंगे, सेकंड लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का लगाएंगे, और सेकंड वाले को रिपीट करके लिखेंगे, और फिर रेशियो का साइन लगा के थर्ड लिखेंगे, मतलब एक्स लिख देंगे लेट करके। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और लास्ट का रूल यही लगेगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करा दिया मैंने, कितना हो गया? 8x। और प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि बीच के दोनों का प्रोडक्ट, तो 12 into 12 कितना हो गया? 144। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल लिख देंगे हम। 8x इक्वल्स टू किसके लिख देंगे? 144 के। 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 18 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 18। ठीक है भाई, तो आप लिख देंगे थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो थर्ड कभी भी निकालना हो तो सेकंड वाले को रिपीट करके लिख दिया करो, और रूल यही लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है डी पार्ट। इसका एक नंबर है हमारे पास 2.5 और दूसरा नंबर है 8.5। इसमें भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट को सेम लिखेंगे और सेकंड वाले को रिपीट करके लिख देंगे, और थर्ड को क्या ऐड कर लेंगे? एक्स। अब वो ये सेम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट था आपका 2.5 और लास्ट क्या था? एक्स। इसका डेसिमल पॉइंट हटाया, अपोन में 10 आ गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 5x, और अपोन में कितना था? 2। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो बीच में दोनों कितने थे? 8.5 8.5, इसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपोन में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपोन में कितना आ जाएगा? 10, कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ऐसे ही 5 की टेबल से कैंसिल हो गया। 17 into 17 कितना हो जाएगा? 289, और नीचे 2 into 2 कितना हो गया भाई? 4। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी निकाल लिया है और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी निकाल लिया है, तो ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हमने इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया है, क्योंकि इसने बोला है हमें कि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए इक्वल रख दिया। 5/2 यहां पर एक्स के साथ हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके होगा, डिवाइड, और डिवाइड कोई चीज होती है तो पलट जाती है। ये 5/2 है, क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 289, और नीचे 2 5 जा कितना हो गया? 10। अब इसमें एक जीरो आपको दिखाई दे रही है, तो एक डिजिट छोड़ करके क्या लगा देंगे आप? डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जितनी जीरो होती है उतने डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो यहां पर, तो क्या आ जाएगा? 28.9। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 28.9। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है भाई? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ निकालना है इसमें। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें केवल दो पार्ट है, इसमें से मैंने ये फ्रैक्शन वाला लिया है, मतलब रेशनल नंबर वाला पार्ट लिया है। फर्स्ट वाला इजी था बिल्कुल, ठीक है ना, वो आप खुद से कर सकते हैं। तो क्या है भाई, सॉरी, थ्री पार्ट है इसमें, मैंने थर्ड सी लिया है। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, और थर्ड भी सेम है, ट्रिपल नंबर दे रखे थे ना, तो यहां पर रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिपल गिवन है, फोर्थ पूछा है, तो फोर्थ क्या ऐड कर लिया हमने? एक्स। अगर केवल दो ही नंबर होते तो सेकंड वाले को रिपीट करके लिखते हैं, रूल वही लगना है पूरी एक्सरसाइज में, वही लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर लिख दिया, एक्स बाय 2 हो गया,
और इन दोनों को प्रोडक्ट कराएंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है ना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3/4 जा कितना हो जाएगा 12, तो 1/12 आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1/12। 2 यहां पर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 1 2 2 6 12 कितना आ गया भाई, 1/6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6, जो कि आपका क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करने हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।